देखो यहाँ पर खड़े रहेंगे। महाकाल भाई को बर्थडे गिफ्ट दिया जा रहा है, लिमिटेड मुंगे साहब, मैं जीतू के लिए ले जाऊंगा। आपको बधाई हो, धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप यहाँ पर आए और मैदान खुलवाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में खुलवाया गया। सबकी पीड़ा का ज्ञान था, अच्छा। इतनी बाहर खेलने से पीड़ा हो रही है, तो इस वजह से बहुत जरूरी था ये मैदान खुलना। अब देखते हैं क्या परफॉर्मेंस करते हैं लोग। अब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, लोगों का खेल तो बहुत बिगड़ गया है, अब उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो इस पे एक शायरी है मेरे पास, बोल दीजिए बोल दीजिए बोल। बहुत मेहनत से बिगाड़ा है खुद को, वाह, बहुत मेहनत से बिगाड़ा है खुद को, जाओ किसी और को सुधारो। बहुत दिनों बाद आए हैं हम स्टेडियम में, और स्टेडियम में ये हमारे मित्र हैं महेश देवांगन जी। और महेश देवांगन जी से मैं पूछना चाहूंगा, मैदान की स्थिति क्या है? मैदान का तो बहुत बुरा हाल है, खेलने लायक नहीं रह गए हैं मैदान, अभी सफाई और जतन की आवश्यकता। अभी कितने दिनों बाद, कितने महीनों बाद, कितने 4 महीने करीब बीत चुके हैं, मैदान आज ही खुला है, 4 महीने से बंद रहा। तो क्या आप लोगों की प्रैक्टिस का ऐसा मान लें कि अब यहाँ करेंगे कि बाहर ही करेंगे आप लोग? तो आज से शुरुआत कर दिए हैं, शुरुआत कर दिए हैं, कर दिए हैं, आज से खेलना हम चालू करेंगे, धीरे धीरे काम होता रहेगा मैदान का। थैंक यू सर। एक मिनट, कितने दिनों बाद स्टडी में आप लोग आए? यहाँ पर करीबन 2-3 महीने बाद आए हैं। अब क्या रेगुलरिटी बनी रहेगी? अब कह नहीं जा सकता, कह नहीं जा सकता, आज तो खैर खुला है, लेकिन रेगुलरिटी बने रहेगी कि नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। नहीं, अब यहाँ खेलने का जो इरादा आप लोगों का हो गया है, क्या बना रहेगा? बना रहेगा, मैं तो खैर 2 दिन खेलने आता हूँ, लेकिन वहाँ पर हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो जुझारू टाइप से प्लेयर हैं, जो गिर नहीं पाते थे, है ना, कैच लेना है, जैसे जंप करके कैच लेना है, ये सब चीज़ अब संभव है, पॉसिबल है, पॉसिबल, तो अच्छा क्रिकेट खेलने मिलेगा अपने को, अच्छा क्रिकेट देखने को भी मिलेगा। मतलब घास के मैदान का इंतजार, घास के मैदान का इंतजार था काफ़ी, पिछले साल से अपन ये प्रतीक्षा रखते अपन, इस स्टेडियम कब खुले, कब हमारे प्लेयर अपने जौहर भाई बोलते जौहर दिखाए अपन, है ना, तो इसका कारण आज हमारा वनवास के बाद आज हम अपने मैदान पर वापस आए हैं। मेरे ख्याल से लगभग 6 महीना हो गया, 6 महीने बाद आए, 6 महीने बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज घर वापस आए। वीरू भाई, आपसे मैं पूछना ये चाहूँगा कि आप, लग रहा है कि कई सालों बाद आए हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या ये यथावत बना रहेगा? प्रशासनिक कुछ जाएंगे, कलेक्टर से मिलेंगे और बोलेंगे कि हमेशा खुले रखे इसको, और हम लोग का जो 6 महीने से जो बंद था, आज यहाँ खेलेंगे, 38 खेल खेल के थक गए हैं,
अब मजा आएगा घास के मैदान में। फर्श पे मेरे को जानकारी मिली थी कि फर्श पे आप लोग खेलते थे बाहर में, वो काफी कठिन है, काफी कठिन है, घुटने पर दबाव पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे भी बहुत आते हैं, करीब 150 से 200 बच्चे आ रहे हैं। तो प्रशासन को बंद नहीं करना चाहिए, आप इसको खुले रखना चाहिए, मेंटेनेंस करना चाहिए। दो साल बाद क्या स्थिति है ये मैदान की बताइए आप। मैदान तो बनाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जो कोड़िया लोग हैं उनको थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। अभी समझ में आ जाए कौन कौन कोड़िया है। मैदान बनाने के लिए तो मेहनत जरूरी है। मेरे को लगा कि बहुत दिनों बाद इस मैदान में आप लोग आए हैं, तो आप कुछ बताएंगे और संदेश देंगे प्रशासन को कि ये है कि प्रशासन द्वारा खोला गया है, कुछ उनका मरम्मत कार्य चल रहा था, उसके तहत लेट हुआ है। अच्छा लग रहा है कि भाई कोई मैदान में खेलना और बाहर खेलना बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ मैदान में प्रसिद्ध हुई है। धन्यवाद भाई जी। आप बताएंगे कि कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे पुराने घर इसमें आके पिच पे आकर के और भाई लोग के साथ में इस मैदान में खेल के जो मेरे को सुकून मिलेगा और हम लोगों को सुकून मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। कैसा महसूस कर रहे हैं मैदान के साथ? चेहरे पर ही आ गया है सुकून, पता है स्थिति ने बरकरार रहे। चलो बटे, बाकी तो अंदर बाहर खेलोगे तो घुटने की तकलीफ है। बर्थडे गिफ्ट दिया जा रहा है, विकेट मुंगू साहब आपको बधाई हो, धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप यहाँ पर आए और मैदान खुलवाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में खुलवाया गया। सबकी पीड़ा का ज्ञान था, कितनी बाहर खेलने से पीड़ा हो रही है, तो इस वजह से बहुत जरूरी था ये मैदान खुलना। अब देखते हैं क्या परफॉर्मेंस करते हैं लोग। अब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, लोगों का खेल तो बहुत बिगड़ गया है, अब उसे सुधारने की कोशिश करेगा। तो इस पे एक शायरी है मेरे पास, बोल दीजिए बोल दीजिए बोल दीजिए। बहुत मेहनत से बिगाड़ा है खुद को, वाह, बहुत मेहनत से बिगाड़ा है खुद को, जाओ किसी और को सुधारो। बहुत इनके लिए, बहुत मेहनत से बिगाड़ा है खुद को, बहुत मेहनत से बिगाड़ा है, जाओ किसी और को सुधारो। माली बहुत दिनों के बाद स्टेडियम में खेलने का मौका मिला है, ये मौका को छोड़ना नहीं है, इसलिए मैं आ गया हूँ। अच्छा, इसको रेगुलरिटी बनाए रखना है, रखना है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटे। भाई भाई बहुत दिनों बाद, सही बात है। बहुत बड़े प्लेयर
कितने आदमी चाहिए? नमस्कार, मैं आ गया भाई स्टेडियम गुलजार होने के लिए। Yeah.